अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं शेख मुख्तार, आपका विदर्भ सेटअप यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये सेटअप पे आज विज़िट कर रहे हैं जो हमारे बहुत ही ख़ास अजीज़ दोस्त, जिसका इनका नाम है ज़बी पाशा। आज उनके सेटअप पे हमने बहुत ही रिक्वेस्ट करके विज़िट किया है और देखिए उनका ओवरव्यू बाहर से केज का ओवरव्यू कैसा दिख रहा है दोस्तों। बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने गार्डनिंग किया है केज के बाहर सराउंडिंग में। माशाल्लाह देखिए फ्लावर्स के कुछ हैं, बेल वगैरह झाड़, बहुत ही ग्रीनिश एनवायरनमेंट रखा उन्होंने सेटअप के बाहर। आपको मैं पहले चौतरफ से उनका ओवरव्यू दिखा देता हूँ सेटअप का। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बजरी, अफ्रीकन बर्ड्स और कॉकटेल के कुछ पेड़ रखे हैं। आइए दोस्तों आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़बी भाई, खैरियत से? और ज़बी भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस मज़े में। माशाल्लाह आपका सेटअप तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ज़बी भाई। और आपने इस सेटअप में कौन कौन से बर्ड्स रखे हैं ज़बी भाई? सर अफ्रीकन है जी, है जी है। जी, और बजरी के कितने पेड़ रहे हैं अंदर? 20 पेड़ होंगे जी। ज़बी भाई मैंने आज से 3-4 साल पहले देखा था आपका, 100-150 कुछ पेड़ हुआ करते थे बजरी के, बहुत कम कर दिए हो आपने। सर बहुत तो ये हो गया, परसेंट निकाला मैं तकरीबन जी, बहुत भर गया था। और मुखिब सर बता रहे थे कि आप कुछ सेटअप बड़ा करने वाले हैं, हमने इसीलिए सोचा कि कुछ बड़ा करना पूरा जी, छोटा माशाल्लाह ये भी 10 फीट और 7 फीट का हाइट दिख रहा है जी। वही मुखिब सर बता रहे थे कि उन्होंने सेटअप को बड़ा करने की सोच रहे हैं, इसलिए मैंने विज़िट किया कि पुराने सेटअप की भी वीडियो बना ली जाए, बाद में फिर से नए सेटअप की वीडियो बना सकें। तो ज़बी भाई आज आपसे परमिशन मांगते हैं कि हम अंदर के बर्ड्स की प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं आपकी? हाँ सर, ले सकते हैं जी। माशा जी ज़बी भाई, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, आपने खुली अवेरी में इनको बहुत ही अच्छे से मास्टर केज में रिप्लाइंग केज जी जी ज़बी भाई, एक एक से चेक करेंगे। ज़बी भाई सबसे पहले हमें आप क्या दिखाओगे? ये कॉकटेल दोनों में से मेरे पास कॉकटेल और बजरी जी। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ज़बी भाई के बजरी के ब्रीडिंग के प्रोग्रेस क्या क्या है। ये नंबर वन मट्टी में मादी बैठी है, शायद कुछ एग वगैरह देने के लिए बैठी है। इस मट्टी में देखेंगे माशाल्लाह 3 अंडे हैं जी, बहुत ही जस्ट उन्होंने बहुत एक थोड़े दिन पहले ही उन्होंने बता रहे थे कि 20 पेड़ उन्होंने सेल कर दिए, इसलिए कुछ मटके खाली हैं और कुछ ब्रीडिंग बच्चे बाहर आने की वजह से तकरीबन मटके खाले हैं और कुछ में एग्स हैं जी। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बता देंगे। ज़बी भाई बहुत सारे हंडियाँ खाली हैं और बहुत में एक वगैरह हैं जी। माशाल्लाह यहाँ पे दो चिक्स हैं, आपको सही तरीके से सिखाता हूँ। और ज़बी भाई आप कॉकटेल के कुछ फेर बता रहे थे, ये इसमें ही आप छोड़े हो जी? माशाल्लाह अंडों पर सर ये बहुत ही अच्छे से अंडों पर बैठी है मादी, एक इसमें नीचे चीज में जी। दो पेड़ हैं आपका? हाँ दो पेड़ हैं जी। माशाल्लाह सही है। और ये अफ्रीकन लवर्स, इनकी भी ब्रीडिंग चल रही है जरूरी आपके पास? हाँ चलो सर, नीचे अंडे हैं, ऊपर अंडे भी दिए जी। स्पैंगल के बच्चे बहुत ही खूबसूरत तरीके से 4 बच्चे हैं। ज़बी भाई क्या है, टाइल्स के बहुत बड़े कुत्तेदार है, इस वजह से उनको टाइम नहीं मिलता है। उन्होंने फिर भी अपने वक्त में से कुछ इनकी वक्त निकाल के शौक पूरा करते हैं बस का, ये बहुत ही बड़ी बात है। इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए ज़बी भाई ने बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया है। ज़बी भाई मैंने सुना है आपका ना अफ्रीकन लवर्स का कुछ एक पेड़ है जो आपको फ्री फ्लाइंग करा के शुरू से ट्रेन किए हो और वो आपके बुलाने पे आपके हाथ पे आता है, प्लीज़ अभी भाई एक वीडियो हमारे व्यूवर्स के लिए बना के बताइए, बुला के बताइए।
माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे रविवे का हैंटेन अफ्रीकन लवर्स है। इसको उन्होंने अपने हाथ से बचपन से पाला है, और ये पहले कुछ वीडियो थे रविवे के पास, उन्होंने फ्री फ्लाइंग इसको छोड़ते थे और सीटी बजाने विजिल बजाने पर वो उनके वापस आ जाता था। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से। रवि भाई ये कितने साल का है? ये सर 3 साल का सर। जी माशाल्लाह, इसने ब्रीड वो की है? ब्रीड किया सर जी। अब अंडे सर इसके ऑलरेडी। दोस्तों आप ज़रा सा गलत मत समझिए, जबी भाई ने बात करने से इनकार किया था, ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जबी भाई ने बोला था सर मैं बजरी जो भी है शॉप के लिए रखता हूँ, और ये मैं अपने ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। फिर भी हमने बहुत ही फोर्स किया उनको, उन्होंने जब जाके माने, और बहुत ही दिलचस्प इंसान है। वैसे तो बात बहुत कर लेते हैं वो, थोड़ा सा कैमरे पे आने शर्मा रहे थे। देखिए दोस्तों बहुत ही उनसे खेल रहा है, डर नहीं रहा है वो। और एक बार जबी की खासियत ये है कि बिदर में उनको तकरीबन जबी पाशा बोल के सब पहचानते हैं, मगर उनका बर्स है वो किसी को नहीं मालूम। और बर्स 2-3 पेट शॉप है, ये बर्स कहाँ से लाए वो तो जबी पाशा के उनसे लाए बोलते हैं, मगर वो जबी भाई खुद जाके पूछे तो उनको नहीं पहचानते। यानी जबी भाई कैसा है, जो भी आता है उसका शौक पूरा कराते हैं दोस्तों, किसी को नाराज़ नहीं करते। और जो मिनिमम प्राइस रहता है, जो नए शौक रखना चाहते हैं उनको अच्छे दामों पर उन्होंने दस्याब कराए हैं। और बिदर में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सबको हेल्प किया है। मेरे भी सेटअप में उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने देखिए दोस्तों, ये मेरे भी हाथ पे आके बैठ चुका है ये माशाल्लाह। देखिए दोस्तों ज़बरदस्त। तो दोस्तों जबी भाई तो माशाल्लाह। तो देखिए दोस्तों उनका केज के बाहर का ओवरव्यू, बहुत ही नेचुरली उन्होंने एनवायरनमेंट दे रखा है बर्ड्स को। और रवि भाई ये यहाँ तक तो अच्छा सा 10 फीट तो उसकी विड्थ है, और आप कहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हो? वो 10 फीट। जी जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे है। रवि भाई ने बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा है। और सुना है रवि भाई ने 200 बजरी रखने का टारगेट करने का सोच रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहुत से बर्ड्स खाली कर दिए दोस्तों, इसीलिए आपको कम नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम हम जब इनके नए सेटअप की वीडियो बना के बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें लाइक और शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए माशाल्लाह। तो दोस्तों ठीक है, आज हम इसकी ओवरव्यू यानी केज की ओवरव्यू बताते हुए आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।